मानेकशॉ ने कैसे 1000 का बदला आधा पाकिस्तान लेकर लिया? फील्ड मार्शल ने बटालियन को क्यों भेजी चूड़ियां? कई नामों से पुकारे गए, एक नाम से हमारे हुए जनरल की कहानी। एक युवा जिसने लंदन नहीं जाने दिया गया तो गुस्सा होकर सेना में जाने का फॉर्म भर दिया। एक सैन्य अफसर जो देश के प्रधानमंत्री को स्वीटी कहकर बुलाता था। वीरों के वीर जिसने 1000 रुपए के बदले आधा पाकिस्तान ले लिया। एक फील्ड मार्शल जिसने तख्ता पलट कर डर इंदिरा गांधी को सताने लगा था। एक महावीर जिसने पड़ोसी मुल्क को कहा था, याद कर लो 71 वरना टुकड़े होंगे 72। नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी MRI। आज बात करेंगे उस नाम की जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी थर्रा जाता है। वीरों के वीर हिंदुस्तान के सबसे महान सैनिक और भारतीय सेना के सबसे लोकप्रिय जनरल की कहानी सैम बहादुर यानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। देश की आज़ादी के बाद अभी तक शौर्य और साहस की जितनी कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं उसमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वीर गाथा सबसे अलग है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की कमर तोड़कर दो हिस्सों में विभाजित कराने वाले सैम मानेकशॉ शूरता और वीरता की मिसाल थे। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है। अमृतसर में पला बढ़ा एक पारसी बच्चा पापा की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए वो लंदन जाना चाहता था क्योंकि उसके दो भाई पहले से वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पापा ने कहा, तुम अभी छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भर दिया। उनका चयन भी हो गया मेरिट लिस्ट में 6 नंबर पर। यहाँ से शुरू हुआ सैम का करियर दूसरे वर्ल्ड वॉर से लेकर भारत की आज़ादी, बंटवारा, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के तक खत्म हुआ। 1971 वार में उनकी भूमिका का खास जिक्र किया जाता है क्योंकि पूरी तरह से उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के मुताबिक लड़ा गया था। 7 गोलियां लगी और डॉक्टर ने इलाज से कर दिया इनकार। कमीशन हासिल करने के बाद साल 1934 में सैम भारतीय सेना में भर्ती हुए। उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो सेना भी उसके ही अंडर में थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के लिए सैम को बर्मा के मोर्चे पर भेजा गया। वहां फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर जापानियों से मुकाबला करते हुए वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि मानेकशॉ को 7 गोलियां लगी थी। उनकी गंभीर हालत देख डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। यह देख एक सैनिक ने डॉक्टर पर राइफल तान दी और कहा, मेरे साहब का हुक्म है, जब तक जान बाकी है तब तक लड़ो, यदि तुमने इनका इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जान जाती देख डॉक्टर ने इलाज किया, उनकी आंत का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से सैम बच गए। मानेकशॉ ने बदल दिया पाकिस्तान का नक्शा। कैसे इस जनरल ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत की स्क्रिप्ट लिखी ये बताते हैं। साल था 1971 का और जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जहां पाकिस्तानी शासन के जुल्म से हालात बेकाबू थे। कमजोर बांग्लादेश जल्लाद पाकिस्तान के साथ क्या करता? पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था कि जल्लादों से एक उभरते मुल्क को बचाए। इसकी कमान मानेकशॉ को सौंपी गई, जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। दरअसल 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। पाकिस्तान ने अमृतसर, आगरा सहित कई शहरों पर बमबारी की। पाकिस्तान की इसी कारिस्तानी के बाद 1971 के युद्ध की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ये भूल गया था कि वो एक ऐसे देश से टकरा रहा है जिसकी सेना की ताकत पाकिस्तान से कहीं अधिक है। अंजाम यह रहा कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया। लेकिन क्या आपको पता है कि जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान से जंग लड़ने से इनकार कर दिया था? मानेकशॉ के इनकार की वजह क्या थी और इंदिरा गांधी ने इनकार के बाद क्या किया, अब आपको बताते हैं। जब मानेकशॉ ने जंग लड़ने से कर दिया था इनकार, आपको बता दें कि 1971 का युद्ध लड़ने के लिए पहले मानेकशॉ तैयार नहीं थे। पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं पर सितम का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, तब उनका पहला निशाना हिंदू ही थे। 1971 ए ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश पलायन पर एक बात दर्ज की है। उन्होंने लिखा है कि ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने वाले 80% लोग हिंदू थे। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट को हरी झंडी दिखाई। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के आंदोलन को कुचलने की शुरुआत की गई। आंदोलन के प्रणेता शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अत्याचार के शिकार लोग भागकर भारत आने लगे। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई करने को कहा। इंदिरा गांधी ने बंगाल के मुख्यमंत्री की एक रिपोर्ट जिसमें शरणार्थियों की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताई गई थी, जनरल मानेकशॉ की तरफ फेंकते हुए सवालिया लहजे में कहा, क्या कर रहे हो सैम?
मानेकशॉ ने जवाब दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इंदिरा गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू मार्च इन ईस्ट पाकिस्तान। जनरल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, इसका मतलब तो जंग है मैडम। प्रधानमंत्री ने भी अपने अंदाज में कहा, जो भी है मुझे इस समस्या का हल चाहिए। इंदिरा गांधी के इस आदेश को सुनकर मानेकशॉ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, मैडम आपने बाइबल पढ़ी है? मीटिंग में इस सवाल को सुनकर सुवर्ण सिंह ने विरोध करते हुए कहा, इससे बाइबल का क्या संबंध है? मानेकशॉ ने जवाब दिया, पहले अंधेरा था, ईसा बोले उन्हें रोशनी चाहिए और रोशनी हो गई। लेकिन ये बाइबल जितना आसान नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे जंग चाहिए और जंग हो जाए। मीटिंग में मौजूद वित्त मंत्री यशवंत चौहान ने वो सवाल किया जो जनरल की डिक्शनरी में था ही नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम डर गए हो जनरल? मानेकशॉ ने कहा, मैं एक फौजी हूँ, बात डरने की नहीं समझदारी की है और फौज की तैयारी की। इस समय हम तैयार नहीं हैं, अगर आप चाहती हैं हम लड़ें तो हम लड़ लेंगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि हम हार जाएंगे। दरअसल सैम जानते थे कि गर्मियों के मौसम में हिमालय में बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है, वहां मौजूद दर्रे खुलने लगेंगे और पाकिस्तान की मदद के लिए उसका पड़ोसी दोस्त चीन आ खड़ा होगा। सैम मानेकशॉ एक ऐसे योद्धा थे जो जानते थे कि युद्ध के लिए केवल नीयत ही नहीं नीति की भी जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जैसे शख्सियत को ना करने का मादा दिखाया, जिसका फायदा यह हुआ कि भारतीय सेना को युद्ध में उतरने के लिए तैयारी करने का अतिरिक्त समय मिल गया। नतीजा, जब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी की जा चुकी थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 92,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर की वो तस्वीरें इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय की तरह दर्ज है। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नया नामकरण हुआ और बांग्लादेश के नाम से एक आजाद मुल्क अस्तित्व में आया। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश था। जनरल मानेकशॉ के सिर पर जीत का सेहरा बंधा है। जीत के लिए मानेकशॉ को अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इससे पहले वो पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद दिया गया, लेकिन 27 जून 2008 को वो काला दिन था जब महायोद्धा ने हम सबको अलविदा कह दिया। मोटरसाइकिल की कीमत पाकिस्तान ने आधा देश देकर चुकाई। मानेकशॉ और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ फौज में थे और दोस्त हुआ करते थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 1947 में मानेकशॉ और याह्या खान दिल्ली में सेना मुख्यालय में तैनात थे। याह्या खान को मानेकशॉ की मोटरबाइक बहुत पसंद थी, वह इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन सैम उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। याह्या ने जब विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो सैम उस मोटरसाइकिल को याह्या को बेचने को तैयार हो गए। दाम लगाया गया 1,000 रुपये। याह्या मोटरबाइक पाकिस्तान ले गया, वादा कर गए कि जल्द ही पैसे भिजवा देंगे। सालों बीत गए लेकिन सैम के पास वो चेक कभी नहीं आया। बहुत सालों बाद जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ तो मानेकशॉ और याह्या अपने अपने देशों के सेनाध्यक्ष थे। लड़ाई जीतने के बाद सैम ने मजाक किया, मैंने याह्या खान को चेक का 24 सालों तक इंतजार किया लेकिन वह कभी नहीं आया। आखिर उन्होंने 1947 में लिया गया उधार अपना आधा देश देकर चुकाया। इंदिरा गांधी को कहते थे स्वीटी। सैम मानेकशॉ की शख्सियत इतनी जोरदार थी कि किसी से आंखें मिलाकर उनके वजूद को झकझोर देते थे। चेहरे पर रोबीले मूछ और हाजिर जवाब मानेकशॉ के पास प्रधानमंत्री को सीटी कहने का हुनर प्राप्त था। जब 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या लड़ाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, इस पर मानेकशॉ ने तपाक से कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। उस दौर में जब इंदिरा गांधी से लोग खौफ खाते थे तब सैम इंदिरा को बड़ी बेबाकी से जवाब देते थे। वही जब लड़ाई के मैदान में 7 गोलियां लगने के बाद जनरल मानेकशॉ मिलिट्री अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मानेकशॉ का कहना था, अरे कुछ नहीं, एक गधे ने लात मार दी। जब मिजोरम में बटालियन को भेजी चूड़ियां। बात तो 1962 की है जब मिजोरम की एक बटालियन ने लड़ाई में छिचकिचाहट दिखाई। जब इस बारे में मानेकशॉ को पता चला तो उन्होंने चूड़ियां का एक पार्सल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर को एक नोट के साथ भेजा। नोट में लिखा था, अगर आप दुश्मन से लड़ना नहीं चाहते तो अपने जवानों को ये चूड़ियां पहनने को दे दें। जिसके बाद बटालियन ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इंदिरा को ही तख्ता पलट की आशंका। जब सेना द्वारा तख्ता पलट की अफवाह फैली तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सैम मानेकशॉ से पूछा, उन्होंने बोल्ड अंदाज में जवाब दिया, अपने काम पर ध्यान दो और मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। राजनीति में मैं उस समय तक कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा जब तक कोई मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आज हमने भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में आपको बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।